फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार तक। 24 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार से नवाजा था। इन बच्चों में बिहार में छपड़ा शहर के साहेबगंज मोहल्ला निवासी पल साक्षी भी शामिल थे। 8 साल के पल साक्षी को समाज सेवा की कैटेगरी में चयनित कर सम्मानित किया गया। कोरोना काल होने के कारण विगत 2021 से इस कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से ही आयोजित किया गया था। पल साक्षी को उनके पिता और माता की मौजूदगी में साथ ही सारण के जिला अधिकारी राजेश मीना सहित तमाम आला अधिकारियों की उपस्थिति में सम्मान से नवाजा गया। आपको बता दें कि इस बच्चे की उम्र जरूर छोटी है पर इरादे काफी बुलंद है। छपड़ा के केंद्र विद्यालय में 3री कक्षा में पढ़ने वाले पल साक्षी बहुत अच्छा गाते हैं और अपनी इस काबिलियत का फायदा उन्होंने कोरोना काल में लोगों की मदद करके उठाया। पल साक्षी ने बताया कि कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो उन्होंने लोगों को मदद करने के लिए ऑनलाइन गाना गाकर प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने गाने में लोगों से अपील की कि अगर उनको मन है तो वो लोगों की मदद कर सकते हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर उनको उनका गाना पसंद आ रहा है तो वो उनको मदद करे। इस अभियान में उनके पास 10,000 रुपए इकट्ठा हो गए। इस राशि को उन्होंने अपने माता पिता के सहयोग से पीएम केयर फंड में डोनेट कर दिया। इसी तरह उन्होंने गरीब बच्चों के लिए कॉपी किताब का भी बंदोबस्त किया। क्यों, अगर यकीन नहीं आ रहा है तो खुद सुनिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मुझे सम्मानित किया। सबसे पहले मैंने एक चैरिटी शो किया था जिससे मुझे 10,000 रुपए की राशि मिली और फिर उसको मैंने पीएम केयर्स फंड में डोनेट किया था। फिर सेकंड वाले में मुझे 11,000 की राशि मिली और फिर उससे मैंने नीडी को खाद्य सामग्री बांटा था। फिर तीसरे वाले में मैंने कुछ कन्याओं को बैग बांटा था ताकि वो स्कूल जा सके। और चौथे वाले में जब उस समय क्रिसमस का समय था तो फिर मैंने क्रिसमस का एक वो पॉपुलर सॉन्ग जिंगल बेल्स गाकर कुछ वूलन क्लॉथ्स मांगे थे और फिर उन वूलन क्लॉथ्स को मैंने नीडी को बांटा था। वही पल साक्षी की माँ रश्मिता खुद एक केंद्रीय विद्यालय छपड़ा में शिक्षिका है। पिता व्यवसायी है। माता पिता ने पल साक्षी को 3 साल की उम्र से ही हारमोनियम और संगीत की शिक्षा दिलवानी शुरू कर दी थी। छोटी उम्र में ही शतरंज जैसा कठिन खेल की तरफ उनका ध्यान मोड़ दिया था जिसका सार्थक परिणाम आज हम सबको नजर आ रहा है। उनकी माँ रश्मिता अपने बेटे की इस उपलब्धि पर बेहद खुश है। उन्होंने सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद अदा किया। एज ए पेरेंट तो सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इसके लिए मेरे बच्चे को चयनित किया, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही खुशी का अवसर था। आज से 3 दिन पहले जब मुझे पता चला तो मतलब मैं इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। मुझे लगा कि जो आज वर्षों से मैंने मेहनत किया था तो वो रंग मुझे वो दिखा आज। तो वही पिता मनीष शाह ने भी खुशी का इजहार करते हुए बताया कि सभी बच्चों में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है जिसको समझने के लिए सभी माता पिता को अपने बच्चों के साथ एक लर्नर बनके सीखना पड़ेगा। एक शिक्षक की तरह कतई पेश नहीं आना होगा। इस व्यवहार करने से बच्चा बहुत आगे जा सकता है और हो सकता है कि वो दुनिया का 8वां अजूबा भी बन जाए। जी नो डाउट, बच्चों का सीखने का तरीका खेल कूद क्या माध्यम ही होता है और हमें उसे कोई गंभीर तरीका अपनाना भी नहीं चाहिए उनको कुछ भी सिखाने के लिए या उनसे कुछ भी उनके माध्यम से करने के लिए या उनको प्रेरित करने के लिए। तो बच्चों के साथ बस सिंपली आप इन्वॉल्व हो जाएं, ना एक टीचर के रूप में नहीं एक लर्नर के रूप में। इससे क्या होगा कि बच्चा खुल कर योगदान देगा और वो योगदान समाज में क्या रूप लेगा, उसका क्या परिणाम होगा, ये नो डाउट ये हो सकता है दुनिया का 8वां वंडर क्रिएट कर दे। नो डाउट ये छोटी छोटी आपको खुशियां दे, आपको आश्चर्य दे। इसे मैं पेरेंट्स से
आग्रह करूंगा कि पूरे मौलिक मन से बच्चों के साथ लगे। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुरस्कार देने के बाद सभी बच्चों से कुछ अपील की, क्या थी वो अपील आप खुद सुनिए। प्रधानमंत्री ने हम बच्चों के काम को की सराहना की, उन्होंने कहा कि ये जो आप कर रहे हैं इससे लोग आपसे ज्यादा अपेक्षा रखेंगे, तो फिर इसका प्रेशर नहीं लेना है बल्कि इसको प्रेरणा समझना है। इस बच्चे की बात सुनकर और इस बच्चे के जज्बे को देखकर हर कोई ये कहने पर मजबूर हो गया है कि वाह क्या बात है। छपरा से इस खबर को हमारे लिए फाइल किया है आलोक कुमार ने। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक।